नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नरेला में फुटवेयर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, दो लोग जिंदा जले। देश की राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक फुटवेयर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से दो मजदूरों की झुलस कर मौत हो गई, जबकि कुछ लोग झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, सभी की हालत स्थिर है। आग की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। जानकारी के अनुसार नरेला इलाके में सुबह 9:30 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली पर 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री की पहले और दूसरे तल पर आग लगी थी। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। भीषण आग की चपेट में कई लोग घिर गए। दमकल विभाग की टीम ने नेता तीन लोगों को बचा लिया, जबकि दो लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आग में झुलस कर दो लोगों की मौत हो गई। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। गोली चली पर किसी को पता नहीं चला। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में उसहैद थाना इलाके के गांव सरथला में सोमवार देर शाम सपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता 58 वर्षीय, उसकी पत्नी शारदा 55 और मां शांति देवी 80 वर्षीय की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो बाइकों पर आए चार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही रविंद्र दीक्षित, उसके बेटो सार्थक अर्चित एवं चालक विक्रम उर्फ विक्की और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें से रविंद्र सार्थक व अन्य पुलिस हिरासत में है। इस हैद से पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता के छोटे भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश गुप्ता पास के गांव में गए थे। वहां से उन्होंने राकेश गुप्ता को कॉल की, कॉल रिसीव नहीं हुई तो उन्होंने पड़ोसी को घर भेजा। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसके किसी तरह छत पर चढ़कर अंदर देखा तो वो उसके होश उड़ गए। घर के तख्त में नज़दीक राकेश गुप्ता का शव मिला, जबकि मां का शव रसोई में मिला। उनकी पत्नी का शव चारपाई पर ही पड़ा था। घर में हर तरफ खून ही खून था। देर रात आईजी रहीम शर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जांच के लिए लखनऊ में स्पेशल टीम भी बुलाई गई है। इंग्लैंड की जीत तो ऑस्ट्रेलिया के सामने बचे था सिर्फ एक विकल्प। जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप के उतर रही है। टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप एक मुकाबले में आज टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए उसे एक हाल में यह मुकाबला जीतना ही होगा। टीम अगर यह मैच जीतने में सफल रही तो वो पॉइंट टेबल में टॉप 2 में पहुंच जाएगी। वहीं डिफेंडिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे स्थान पर पहुंचेगी। ऐसे में कंगारू टीम को सेमीफाइनल में रेस में बने रहने के लिए अंतिम मुकाबले में जीत से कुछ कम नहीं चलेगी। इसका नेट रन रेट भी माइनस में है। ऐसे में उसे बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ेगी। सुपर 12 के ग्रुप 1 में बात करें तो एक मुकाबले में अभी श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने है। न्यूजीलैंड के 3 मैच में 5 अंक है और वह टॉप पर है। उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जबकि उसके 2 मुकाबले में जीत हासिल की है। उसका नेट रन रेट 3.850 है। अंक में 2 उसे जीत मिली थी, जबकि कीवी की टीम से हार मिली थी। इंग्लैंड के खिलाफ उसका मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो सका था। उसका नेट रन रेट 0.304 है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।